हमीरपुर प्रशासन आखिर कब जागेगा? प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर की अगुवाई में एनएसयूआई ने कैप्टन मृदुल शर्मा स्मृति स्थल के बाहर सांकेतिक धरना दिया। गौरतलब है कि एनएसयूआई ने पहले भी स्मृति स्थल की बदहाली पर आवाज उठाई थी और इसके लिए उन्होंने डीसी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा था। जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें एक हफ्ते के भीतर काम शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। टोनी ठाकुर ने कहा कि स्थानीय नुमाइंदे और जिला प्रशासन जो केवल राजनीति के लिए शहीदों को याद करता है, उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को कैप्टन मृदुल शर्मा को शहादत प्राप्त हुई थी और यदि 25 दिसंबर तक नवीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ तो एनएसयूआई 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक रोज धरना प्रदर्शन करेगी। एनएसयूआई हमीरपुर ने यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो व्यक्त किया है, क्योंकि हमें प्रशासन की तरफ से जो था वो एक हफ्ते का समय दिया गया था कि इसकी जो रेनोवेशन है वो एक हफ्ते के भीतर हम जो है वो शुरू कर देंगे, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी तक जो है प्रशासन द्वारा एक मतलब रत्ती भर सा भी काम नहीं किया गया है। पानी की टंकी वैसी की वैसी टूटी हुई है, वहां पर जो गेट स्मृति स्थल पर है वो वैसा का वैसा टूटा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी के दिन कैप्टन मृदुल शर्मा जी का जो है वो शहीदी दिवस है, वो 1 जनवरी के दिन जो थे वो शहीद हुए थे। तो अभी तक रत्ती भर सा काम, चाहे वो चौक की बात हो, प्रशासन ने कहा था कि हम जो नीचे कैप्टन मृदुल शर्मा की चौक है उसको जो है वो तब तक कंप्लीट कर देंगे जो नए सिरे से वहां पर बन रही है मूर्ति रखी जाएगी। और साथ ही प्रशासन ने कहा था कि हमीरपुर जिला के चाहे वो 65 की बार के शहीद हो, 71 की बार के शहीद हो, या 1999 की बार के शहीद हो, उनका नाम भी यहां पर स्मृति स्थल में लिखा जाएगा, लगाया जाएगा। लेकिन प्रशासन इतना निकम्मा और सोया हुआ, स्थानीय नुमाइंदे चाहे एमपी साहब हो या एमएलए साहब हो, इतने निकम्मे हैं कि अभी तक इस तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि आप जल्द से जल्द 1 जनवरी से पहले इस कार्य को पूर्ण रूप से कर दें, अगर नहीं तो इसका जो है हम भारी आंदोलन जो है